आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लोज्ड वेसल लिया है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। ये वाटर हो गया और ये क्लोज्ड वेसल, ये क्लोज्ड कंटेनर है। वाटर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। यहाँ पे हम वाटर को हीट करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स रखे हैं, जहाँ जिससे वाटर को क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वाटर इवोपरेट होना स्टार्ट करता है। यहाँ पे वाटर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इवोपरेशन क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ व्हेन द टेम्परेचर रीचेज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट दैट टाइम वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है, ये क्लोज्ड वेसल हो गया है, वाटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ये जैसे इसको हीट कर रहे हैं, ये वाटर के, ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड दिस वेपर विल एग्जर्ट ए प्रेशर ऑन दिस लिक्विड। इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड पे यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑन ए लिक्विड। वेपर बनने के बाद वेपर के द्वारा लिक्विड पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। फॉर एटमॉस्फेरिक कंडीशन वी नो दैट वाटर इज बॉइल्ड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि हमने देखा, जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे रहेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर जो रहेगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ़ वी गो ऑन डिक्रीजिंग द वेपर प्रेशर देन वाटर विल बॉइल्ड एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम वेपर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वाटर कौन से टेम्परेचर पे वेपर बनना स्टार्ट करेगा, टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पे वाटर बॉइल्ड होना स्टार्ट करेगा। दिस वेपर प्रेशर वैल्यू कैन चेंज। Also, this concept of vapor pressure is takes place when the water is flowing in pipe. तो यहाँ तक हमारा vapor pressure था। vapor pressure का जो भी concept है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं cavitation। cavitation क्या होता है, if we have a pipeline, ये pipeline हो गया जहाँ पे से क्या हो रहा है, water का flow हो रहा है, water यहाँ पे flow हो रहा है। suppose we have a low pressure region inside a pipeline, मान लेते हैं इस पॉइंट पे लो प्रेशर रीजन है पाइप के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दी लो प्रेशर हियर दी वाटर वुड बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो रहेगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट लो प्रेशर रीजन सम एयर बबल्स वुड बी फॉर्म। लो प्रेशर के कारण क्या होगा, वहाँ पे कुछ एयर बबल्स फॉर्म होंगे। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, हमारे एयर बबल्स। व्हेन इट गोज टू हाई प्रेशर रीजन, जब ये यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या है, हाई प्रेशर रीजन। जब ये एयर बबल लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर की ओर मूव करेंगे, तब बबल्स क्या होगा, हाई प्रेशर रीजन में कोलैप्स हो जाएंगे। सभी बबल्स यहाँ पे आके क्या होगा, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्सिंग ऑफ बबल्स, जब ये बबल्स लो प्रेशर से हाई प्रेशर में आने के बाद कोलैप्स हो जाएंगे, तो कोलैप्सिंग होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर राइज होगा, ट्रेमेंडस प्रेशर राइज होगा। प्रेशर राइज होने के कारण पाइप के वॉल में पिटिंग एक्शन होना स्टार्ट होता है, जिससे पाइप के वॉल में स्मॉल स्मॉल होल प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही ये एयर बबल्स लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन में जाएगा, ये यहाँ पे सडनली क्या होंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। और जैसे ही कोलैप्स होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट में प्रेशर राइज होगा। जब ये प्रेशर राइज होगा, पाइप के वॉल में पिटिंग एक्शन होगा और उसमें स्मॉल स्मॉल होल प्रोड्यूस होंगे। तो यही क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। कैविटेशन इज़ अ फिनोमिना व्हेन
लिक्विड पासेस फ्रॉम लो प्रेशर रीजन टू हाई प्रेशर रीजन। जब लिक्विड लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन में जाएगा तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, कैविटेशन। कैविटेशन नीड टू बी अवॉइडेड, इट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी रीजन, एनी लो प्रेशर रीजन वेयर एयर बबल्स आर फॉर्म। अगर कैविटेशन को अवॉइड करना है तो हमारे पाइपलाइन के अंदर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं रहना चाहिए जहाँ पे लो प्रेशर हो और जहाँ पे वो एयर बबल्स फॉर्म्ड हो। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन द वाटर इज़ फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन, वी ट्राई टू अवॉइड एयर बबल्स फॉर्मेशन, बिकॉज व्हेन दिस एयर बबल कोलैप्स सडनली देयर इज़ अ ट्रेमेंडस राइज ऑफ प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वॉल्स ऑफ द पाइप लाइन विल गेट पिटेड। पिटिंग एक्शन होगा यहाँ पे पाइप के वॉल पे, और इट टुक्स लाइक वॉल इज कोरोडेड। सो दिस वॉज द कैविटेशन फिनोमिना। ये हमारा क्या है, कैविटेशन फिनोमिना है। मेरे ख्याल से आपको वेपर प्रेशर और कैविटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।